सो गाइस वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6। तो अभी ये गाय जो है ना छुड़ा लिए, मतलब पगहा गले से निकाल लिए, और वो रहा पगहा इसका, ये रहा। तो इसको खोलते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं उसको गले में बांधते हैं, नहीं तो भाग जाएगी बाहर ना, तो बहुत ही मुश्किल होगा पकड़ना उसको। तो ये सब खाकर रेडी हो चुकी हैं दूध देने के लिए, लेकिन अभी इन सबका दूध नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी टाइम है, आज जल्दी सानी दे दिए सुबह में, इसीलिए। मेरा मोबाइल जो है ना चार्ज कम है, मतलब सुबह में उठकर चार्जिंग नहीं लगाए थे, तो 10% है। तो अभी जा रहा हूँ चार्जिंग लगाने, और अभी सुबह के बज चुके हैं 7, तो मैं जा रहा हूँ गायों का दूध निकालने। तो अभी दूध निकाल कर आऊँगा, फिर उसके बाद चार्जिंग हो जाएगा, तो फिर आगे चल कर ब्लॉक करूँगा। तो अभी चलते हैं, दूध निकालते हैं और मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं। और एक बार बताऊँ, आज मतलब जो मैंने कल ब्लॉक किया था ना, मैं एडिट कर अपलोड करने जा ही रहा था, लेकिन सोचा कि जो मतलब क्लिप शूट किया हूँ उसको डिलीट कर दूँ, तो उसको डिलीट करने के चक्कर में जो ब्लॉग मैंने बनाया था उसको ही डिलीट कर दिया। बहुत बुरा लग रहा है। टाइम हो चुका है 7:30, लेकिन हमारा दूध निकाल कर काम भी हो चुका है ख़त्म। ये सब इधर खड़ी हैं और हम इन सबका दूध निकाल लिए, लेकिन अभी एक काम जो बाकी है वो है नीचे का खड़प्पा धोना, और मम्मी है नहीं तो हमको ही करना पड़ेगा अकेले। मतलब मम्मी इसलिए नहीं है, मतलब गोबर भी फेंकना होगा हम ही को, क्योंकि मम्मी है नहीं इसलिए। बाकी गोबर फेंकने के बाद खड़पा धोएंगे, तो पहले गोबर फेंक देते हैं फिर उसके बाद खड़पा धोते हैं। सबका काम हो चुका है ख़त्म, और अभी मतलब दूध भी निकाल लिए और खड़पा भी धो दिए और गायों को भी धो दिए। तो अभी सुबह का काम हो चुका है ख़त्म, और अभी टाइम हो चुका है 8। दूध निकालते वक्त और खड़पा धोते वक्त वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, और ये सब एकदम नहा कर खड़ी हैं, एकदम पानी पीने लायक भी भर दिया हूँ। इन सबको प्यास लगेगा तो पी सकती हैं इसमें, बाकी जो नहीं पी पाएंगे उसको दोपहर में बाल्टी से पिलाना पड़ता है। बाकी इन तीनों का कोई मतलब पानी पिलाने का झंझट नहीं है, बाकी ये चारों का झंझट है। तो अभी एक काम नहीं किए हैं, इसको सानी नहीं दिए, तो इसको सानी देते हैं फटाक से, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, ये रहा कुछ बाहर का मौसम, जो कि मौसम दिखाई बस इधर ही से दे रहा है, बाकी इधर से तो घर ही घर दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है, कि बीच में नींब है, और नींब का जो पेड़ है ना बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा है अभी बहुत बड़ा होगा। दीदी खरी निकाल कर दे रही है, और वो मेरा जो डॉगी है वहाँ चौके के नीचे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अदिति दे रही है खरी। बाय, अब अपना काम करो अच्छे से। खरी ना दिए, अब इसको सोना है, तो पानी का बाल्टी यहाँ पर भरा रहा है, ये रहा। मतलब जो कुछ नहीं हो पाया रिकॉर्डिंग उसमें एक ही से कर लेते हैं, इसको चलते हैं ले देते हैं। पूरा ना दो सही रहेगा, तो फटाक से इसको भी सानी देते हैं। जाकर इन सब का काम वाकई में सुबह का ख़त्म हो चुका है, उस बच्चे को भी सानी दे दिए हैं और वो अपना खा रही है, देख सकते हैं। और ये सब तो खाकर दूध देकर नहाकर खड़ी हैं अपना, अब बैठेंगे या खड़े रहेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी सुबह के बज चुके हैं 8। दीदी आओ इधर आओ, इसको सारे काम देने, हम कुची लेकर पूरा बरंदा तुमको साफ करना है, ठीक। क्योंकि घर में आज कोई है नहीं, हम हैं, एक मेरी छोटी बहन है, और ये है मम्मी कहीं गई है, पापा गए लेकर दूध, और हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा मैनर सिखा रहे हैं, मतलब काम अभी से करना सिखा रहे हैं, इसीलिए झाड़ू ए इधर से नहीं, पूरा इसे इधर इधर पूरा, भोजपुरी और हिंदी दोनों इसमें उपयोग हो रहा है वीडियो में, और ये इसका काम करने का कुछ इतरा है तरीका है। अच्छे से साफ करो, और अच्छा से, गुड। और ये कहाँ जा रहा है, तब नहीं खाएगा, इसको चाहिए दूध भाई, कहे रोटी दिए नहीं खाए, दूध के साथ देंगे खाने लगेगा, देखे रोटी भी खा जाएगा। तुम अपना काम करो, बटोरो पहले बटोरो, साफ करो, मतलब उधर नहीं उधर खा रहा है, इधर इधर ये सब ये सब ये सब, गुड। नहीं हो पाएगा साहब, हमें भी करना पड़ेगा, तो पहले साफ करते हैं,
तो पहले साफ कर देते हैं बरंदा। ये सब बैठ कर अपना रेस्ट कर रही है और वो बस खड़ी है, और एक वो तो वो बैठेगी कब, जब उसके आगे का हम नाद हटाएंगे मतलब तब बैठेगी, क्योंकि उसको उस पर नहीं मिल पा रहा है। और इसका जुई है ना फंसा हुआ है पगा इसमें, ये इस तरह कुछ हटाते हैं और इसको इधर रखते हैं। अब वो आराम से बैठ जाएगी और ये बैठी ही है। तो अब क्या करते हैं कि हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि अभी नहाए नहीं है और सुबह के बज चुके हैं 12, तो नहा लेते हैं हम भी और फिर इन सब का काम आ जाएगा शाम में, और अभी है नहीं कुछ काम इन लोगों का। हम नहा लिए हैं और मैं बार बार यहीं पर आकर वीडियो इसलिए शूट करता हूँ इन लोगों के पास, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और घर में है ना लाइट भी सही से नहीं आता है, मतलब कैमरा तो वैसे ही ख़राब है, और ऊपर घर में जाऊंगा बनाने तो मतलब अंधेरा टाइप आने लगता है, और यहाँ पे सामने से लाइट आता है जैसे कि इस तरह इधर से लाइट आता है सामने, और कैमरा जो ख़राब है मतलब कवर हो जाता है थोड़ा बहुत लाइटिंग की वजह से। और इन सब के साथ में बनाना मतलब इन लोग का वीडियो बना रहा हूँ तो इन लोग के पास आकर बनाता हूँ। अच्छा भी लगता है इन सब के साथ, पहले नहीं लगता था, अब लेकिन जब करना है और आदत हो गया है तो अब सही लगता है। मतलब एक कहावत है ना, शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मज़ा आ रहा है। मौसम क्या ही मस्त लग रहा है एकदम, और ये रही बाइक, हम कहीं आ रहे हैं, आएंगे तो ब्लॉग करेंगे अभी, और मौसम कम मस्त लग रहा है एकदम। बाहर आ चुके हैं घर, और अभी घर भी वक्त हो चुका है शाम के 4, और अभी जा रहा हूँ इन सबको सानी देने। ये सब खड़ी हो चुकी हैं, समझ गई है कि हम लोग का टाइम हो चुका है खाने का, और मेरे को देख रही है कि अपना ब्लॉग बना रहा है। कुछ इस तरह इन लोग हैं खड़ी, बस 20 मिनट में सब खाने लगेंगे। इन सबको सानी दे दिए और ये सब अपना मस्त खा रही हैं, और ये आधा खा भी गई हमको व्लॉग करने में, बाकी उसको नहीं दिए। तो शाम के बज चुके हैं 4:30, और 1.5 घंटा मतलब टाइम है अभी इन सबका दूध निकालने में, तो 1.5 घंटा बाद दूध निकालेंगे सबका, तो तब तक ये सब खाएंगे अपना। अभी शाम के बज चुके हैं 6, और मैं जा रहा हूँ गायों का दूध निकालने। एक्चुअली 6:10 हो चुके हैं, मतलब 10 मिनट लेट हो चुका हूँ, और इधर ये सब खा पी कर अपना रेडी है मतलब खड़ी है। तो अभी फटाक से इन सब का दूध निकालता हूँ। फटाक से क्या होता है पता नहीं, पर वर्ड होता है एक फटाक से, मतलब जल्दी करो, मतलब जल्दी से इन सब का दूध निकालता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था। खा पी कर दूध देख कर खड़ी हैं, अब जब ये सब धोआ जाएगा तो बैठ जाएंगी और रात में आराम करेंगी, अब इन सब का काम आएगा सुबह में। अभी को जाकर इन सब का काम हुआ है ख़त्म, मतलब दूध निकाल कर जो दूध निकालने का काम रहता है वो हो चुका है ख़त्म, और नीचे का गोबर बचा है और प्लस खड़प्पा, तो गोबर अभी मम्मी फेंक देगी फिर बाद में हम खड़प्पा दे देंगे, तो बस हो जाएगा। तो बस इन सब का हो चुका है काम लगभग ख़त्म। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं इसे पे ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।